सो ही गाइस वेलकम बैक। तो गाइस ये अपना माइनक्राफ्ट 1.17 सर्वाइवल सीरीज का एपिसोड 5। अभी गाइस एपिसोड के स्टार्टिंग में आप लोगों ने एक चीज नोटिस तो कर ही लिया होगा, दैट इज अपना जो एक्सपी है वो अभी काफी कम हो चुका है। तो बेसिकली हुआ था कि भाई लास्ट एपिसोड के रिकॉर्डिंग के बाद मैं अपने इस वर्ल्ड को चालू छोड़ के चला गया था किसी दूसरे प्लेनेट पे। अभी यार प्लेनेट से वापस आने के बाद मैंने जब अपने फोन को देखा तो वहां पे मेरा वर्ल्ड चालू था एंड यहाँ पे कुछ ज़ॉम्बीज ने मिलकर अपने को पेल दिया था। पहले तो ये सारी चीजें देखने के बाद मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आया था, लेकिन यार फिर मैंने अपने आप को समझाया कि भाई ये सारी चीजें भी अपने लाइफ का पार्ट है, एक्सपी अभी थोड़ी कम है तो यार बाद में हम लोग इसको वापस से बढ़ा लेंगे। अभी गाइस आज के इस एपिसोड के अंदर हम लोग बेसिकली एक माइन शाफ्ट को एक्सप्लोर करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले गाइस हमारे विलेज के ऊपर पिलेजर्स ने रेड किया था तो यहाँ पे भी गाइस हमने काफी सारी चीजों को कलेक्ट किया है। तो यार काफी सारी चीजें होने वाली है इस एपिसोड के अंदर, सो हो सके तो यार एपिसोड को बिल्कुल एंड तक देखना। तो सबसे पहले तो गाइस हमने लास्ट दिन अपने विलेजर्स के साथ जो ट्रेड किया था वहां पे हमें टोटल 3 फॉर्चून 1 के बुक्स मिल चुके थे। तो अभी गाइस हम लोग यहाँ पे एक डायमंड पिकैक्स को बनाने वाले हैं एंड उस पे हम लोग लगाएंगे फॉर्चून 3 का एन्चेंटमेंट। तो यहाँ पे एन्चेंट करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक एनविल की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे एक एनविल को बना लेते हैं। एनविल बनाने के लिए गाइस हमें टोटल 3 आयरन ब्लॉक्स एंड 4 आयरन इनगट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे गाइस अपना एनविल तो बन चुका है, लेकिन गाइस अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 47 आयरन इनगट्स बचे हैं एंड यहाँ पे गाइस अपने आर्मर का हालत भी कुछ इतना अच्छा नहीं है, तो हमें पूरा एक आर्मर का सेट की जरूरत पड़ेगी। तो सारी चीजें बनानी पड़ेंगे तो भाई काफी ज्यादा आयरन की अभी जरूरत पड़ने वाली है। तो फिलहाल के लिए गाइस हम लोग यहीं पे अपने एनविल को कर देते हैं एंड फटाफट चल के डायमंड पिकैक्स को बना लेते हैं। तो यार इतने दिनों से माइन करने के बाद अभी अपने पास टोटल 7 डायमंड्स हैं। यहाँ पे पिकैक्स बनाने के लिए और 3 डायमंड्स चले जाएंगे तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ 4 डायमंड्स बचने वाले हैं। तो लिटरली यार काफी गरीब हालत है, लेकिन यहाँ पे फॉर्चून पिकैक्स बनाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आगे जाके अपने को जितने भी डायमंड रोड मिलेंगे वो सभी हम लोग इसी पिकैक्स से तोड़ने वाले हैं ताकि यार अपने को ज्यादा डायमंड्स मिले। तो अभी गाइस अपने को तीनों बुक्स को मर्ज करना है ताकि अपने पास फॉर्चून 3 का बुक आ जाए। तो यहाँ पे अपने 2 बुक्स मर्ज हो चुके हैं। पता नहीं गाइस ये दोनों बुक्स मर्ज क्यों नहीं हो रहे हैं, हो सकते कि अपने पास एक्सपी थोड़ा कम है, लेकिन यार कोई टेंशन की बात नहीं है। सबसे पहले तो अभी हम लोग अपने पिकैक्स को फॉर्चून 2 में एन्चेंट कर लेते हैं, फिर यार यहाँ पे जो अपना फॉर्चून 1 का बुक बचा है इसको भी हम लोग इसके साथ मर्ज कर देंगे तो भी अपने को फॉर्चून 3 का पिकैक्स तो मिल जाएगा। नहीं यार यहाँ पे ये फॉर्चून 3 का पिकैक्स नहीं बन रहा है, आई डोंट नो कि गाइस क्या प्रॉब्लम हो रही है, हो सकता है कि एक्सपी थोड़ा कम है। तो यहाँ पे तो गाइस मैं सबसे पहले अपने एक्सपी को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। जो भी गाइस अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता है तो मुझे कमेंट में डेफिनेटली बताना। एंड एक और चीज गाइस आप लोग देख सकते हो, अभी अपने पास बैड ओमेन था, तो बैड ओमेन का कुछ ऐसा सीन है कि लास्ट दिन रात को यहाँ पे कुछ पिलेजियर्स आए थे, तो पिलेजियर ग्रुप का जो हेड होता है जिसके पास एक बैनर रहता है अगर हम लोग उसको किल करते हैं तो अपने को बैड ओमेन मिल जाता है। बैड ओमेन मिलने के बाद गाइस आप लोग जैसे ही किसी विलेज पे जाओगे यहाँ पे रेड ट्रिगर हो जाता है एंड पिलेजियर्स विलेज के ऊपर रेड कर देते हैं। अभी यार अपने साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, यहाँ पे लगभग 3 से 4 बार रेड हुआ एंड यार ये सारा रेड मैं स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर रहा था, लेकिन गाइस यहाँ पे अपना रिकॉर्डिंग पता नहीं कैसे सेव नहीं हुआ। तो यहाँ पे गाइस रेड के अंदर एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हो रही थी वो सारी चीजें मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि यार रिकॉर्डिंग सेव ही नहीं हुआ। जो भी हो गाइस आप लोग फिलहाल देख सकते हो मुझे यहाँ पे हीरो ऑफ विलेजर मिल चुका है, जिससे कि यार ये विलेजर्स अपने ट्रेड प्राइस को थोड़ा घटा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको गलती से मार दिया। यहाँ पे मैं आप लोगों को इसके ट्रेड को ओपन करके दिखा देता हूँ कि गाइस यहाँ पे ट्रेड प्राइस काफी घट चुका है एंड इसी के साथ गाइस रेड में हमें काफी सारी और भी चीजें मिली है जो की मैं आप लोगों को आगे वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। लेकिन यार सबसे पहले तो आप लोगों से सॉरी क्योंकि भाई मैं इस पूरे रेड को रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। अभी यार इसमें पूरी गलती मेरी भी नहीं है क्योंकि मैं तो रिकॉर्ड कर रहा था, पता नहीं कैसा रिकॉर्ड सेव नहीं हुआ। जो भी हो गाइस यहाँ पे टेंशन की कोई भी बात नहीं है क्योंकि ये तो अपना फर्स्ट रेड था, आगे भी गाइस हम लोग इसी तरह से काफी सारे और भी रेड्स करने वाले हैं एंड वो सारी चीजें मैं आप लोगों को डेफिनेटली दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हो इस रेड पे हमें एक टोटम ऑफ अनडाइंग मिला है एंड इसी के साथ गाइस अपने पास अभी टोटल 41 एमरल्ड्स हैं। इसमें यार कुछ एमरल्ड्स मैंने विलेजर से ट्रेड करके लिया था एंड बाकी सारे एमरल्ड्स मुझे रेड के वक्त मिले हैं। एंड एक और चीज गाइस हमें इस रेड से मिला है, दैट इज अनब्रेकिंग 1 का आयरन पिकैक्स। तो हाँ गाइस यही सारी चीजें अपने को रेड से मिली है। तो चलिए गाइस अभी चलते हैं अपने माइन शाफ्ट पे। तो गाइस अगर आप लोगों को याद होगा तो एपिसोड 1 के अंदर मैंने आप लोगों को एक केव दिखाया था, तो अपना पहला केव था, वहां पर मैं ऐसे ही थोड़ा एक्सप्लोर करने गया था एंड अपने को माइन शाफ्ट देखने को मिल चुका था। तो चलिए गाइस अभी हम लोग उसी वाले माइन शाफ्ट पे जाने वाले हैं, तो फटाफट यहाँ पे सुबह करते हैं एंड चलते हैं अपने एडवेंचर पे। तो अभी यहाँ पे सुबह हो चुकी है, मैंने सारी चीजें को पैक कर लिया है, अभी यार फटाफट अपने माइन शाफ्ट पे चलते हैं एंड देखते हैं कि वहां पे अपने लिए क्या सरप्राइज वेट कर रहा है। अभी हम लोग माइन शाफ्ट की तरफ जा ही रहे थे एंड मुझे यहाँ पे एक मॉब मिल चुका है, पता नहीं यार इसका नेम मुझे याद ही नहीं रहता है। जो भी होगा इस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इसने गोल्ड आर्मर पहन रखा है, तो इसको हम लोग डेफिनेटली किल करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे चांसेस रहते हैं कि अपने को ये गोल्ड आर्मर मिल जाएगा। तो यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हो अपना लक तो काफी अच्छा था, तो यहाँ पे अपने को एक गोल्डन चेस्ट प्लेट एंड एक हेलमेट मिल चुका है। तो दोनों चीजों को मैंने ऐसे कलेक्ट कर लिया है, तो वापस से अपने माइन शाफ्ट पे चलते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था अपना माइन शाफ्ट कुछ ज्यादा दूर है नहीं, तो अभी हम लोग केव के एंट्रेंस पे आ चुके हैं। ये केव लिटरली काफी
ज्यादा डीप है। अंदर चल के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, केव के अंदर लावा वगैरह सारी चीजें हैं, तो यार यहाँ पे किल होने के तो पूरे चांसेस हैं। इसीलिए गाइस यहाँ पे मैं एक बेड को भी लेके आ चुका हूँ, ताकि गाइस अगर हम लोग बाई चांस किल हो भी जाते हैं तो भी आसपास स्पॉन होए, ताकि यार अपना जो भी सामान यहाँ पे गिरता है वो सारे हम लोग वापस से कलेक्ट कर सके। यहाँ पे गाइस अगर हम लोग लावा के ऊपर गिरते हैं तो यार कलेक्ट करने का कोई टेंशन है ही नहीं। तो जो भी हो गाइस वो सारी चीजें हम लोग बाद में देखेंगे। यहाँ पे गाइस आप लोग सामने अपना माइनशाफ्ट देख सकते हो, लेकिन गाइस वहाँ पे जाना भी लिटरली काफी चैलेंजिंग होने वाला है। यहाँ पे गाइस मुझे नीचे तो थोड़ा रास्ता दिख रहा है, तो पहले तो हम लोग नीचे चलते हैं एंड देखते हैं कि वहां से हम लोग माइनशाफ्ट तक पहुंच पाते हैं कि नहीं। तो यार कुछ घंटे इधर उधर भटकने के बाद फाइनली गाइस हम लोग माइनशाफ्ट के काफी करीब आ चुके हैं एंड स्टार्टिंग में अपने स्वागत के लिए आ चुके हैं कुछ पॉइजनस स्पाइडर्स। यहाँ पे गाइस इनका पूरा स्पॉनर था तो उसको मैंने तोड़ दिया है। अभी गाइस चलिए देखते हैं अपने माइनशाफ्ट के अंदर और क्या चीजें अपना वेट कर रही है। यहाँ पे अंदर आते ही सबसे पहले मुझे जो चीज दिखी है दैट इज माइनकार्ट विद चेस्ट। सो लेट्स सी कि गाइस इसके अंदर अपने लिए क्या क्या चीजें हैं। अभी गाइस पता नहीं कि एक टच में कैसे टूट गया। कोई ना गाइस यहाँ से सारी चीजों को कलेक्ट करते हैं एंड ये जो चेस्ट है इसको यहीं पे प्लेस कर देते हैं। यहाँ पे यार मुझे काफी सारी चीजें मिली हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज ग्लोबेरी। अभी गाइस मुझे नहीं पता कि ग्लोबेरी का एक्जैक्टली क्या यूजेस है। डेफिनेटली गाइस हम लोग ग्लोबेरीज को खा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई और यूजेस पता है तो डेफिनेटली यार मुझे कमेंट्स में बता देना। इसके अलावा भी गाइस अपने को यहाँ पे एक नेम टैग एंड कुछ पावर ड्रिल भी मिले हैं जो कि डेफिनेटली आगे जाके हमारे काम पे आने वाले हैं। तो काफी देर तक इस माइनशाफ्ट के अंदर भटकने के बाद मुझे यहाँ पे एक और स्पॉनर मिल चुका है। अभी गाइस स्पॉनर की मदद से हम लोग यहाँ पे एक्सपी फार्म को भी बना सकते हैं, लेकिन गाइस ये जगह घर से थोड़ा दूर है तो यहाँ पे गाइस एक्सपी फार्म बनाने का इतना ज्यादा कोई फायदा है नहीं। एंड यार अपने घर के पास भी एक और स्पॉनर है जिसको यार मैंने फर्स्ट एपिसोड के अंदर दिखाया था, तो वहां पे भी गाइस हम लोग एक्सपी फार्म को बना सकते हैं। तो फिलहाल तो गाइस इन मकड़ियों से बचने के लिए हमें स्पॉनर को तोड़ना पड़ेगा। अभी गाइस यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वीडियो के आगे आने वाले पार्ट में आप लोगों को साउंड का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि यार बाहर थोड़ा बारिश चल रहा है, तो अगर साउंड के अंदर कुछ भी डिस्टर्बेंस हो तो प्लीज यार एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ पे गाइस मैंने स्पॉनर को तोड़ दिया है एंड सामने के एरिया को भी मैंने चेक किया था, लेकिन गाइस वहाँ पे कुछ खास था नहीं, वहाँ से हमें सिर्फ कुछ आयरन्स मिले हैं। इसके बाद भी माइनशाफ्ट को काफी देर तक ढूंढने के बाद भी अपने को ज्यादा कुछ मिला नहीं है, लेकिन यार इस माइनशाफ्ट के अंदर हमें एक जो चीज सबसे ज्यादा मिला है दैट इज आयरन। यहाँ पे यार अपने को काफी आयरन्स मिल चुके हैं। अभी यार माइनशाफ्ट के अंदर इधर उधर भटकने के बाद अपने को यहाँ पे एक केव भी मिल चुका है एंड यहाँ पे गाइस केव के अंदर जो पानी है इसका कलर काफी बदल चुका है, देखने में ये थोड़ा गंदा गंदा सा लग रहा है। तो बेसिकली 1.17 अपडेट के अंदर ये चेंज भी हुआ है कि भाई केव के अंदर जो पानी है इसका रंग भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो चलिए गाइस केव के अंदर भी थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं कि अपने को कुछ काम की चीजें मिलती हैं कि नहीं। तो केव के अंदर भी गाइस सारी चीजें बिल्कुल सही चल रही थी, लेकिन गड़बड़ तब हुआ जब हमने इस आयरन ओर को तोड़ा। इसको तोड़ते गाइस चारों तरफ से ग्रेवल्स वगैरह बिल्कुल टूट चुके हैं, यहाँ पे हम लोग काफी नीचे गिर चुके हैं एंड चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ ग्रेवल्स हैं। तो यहाँ पे गाइस मैंने बहुत कोशिश की अपने बाहर जाने के रास्ते को ढूंढने की, लेकिन फिलहाल चारों तरफ इतने ग्रेवल्स है कि यार बाहर जाने का रास्ता ढूंढना पॉसिबल ही नहीं है। तो काफी देर तक आसपास ढूंढने के बाद हमें बाहर जाने का रास्ता तो नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पे गाइस हमें एक और स्पॉनर मिल चुका है। स्पॉनर के साथ ही साथ यहाँ पे एक चेस्ट भी है जिसके अंदर हमें फायर एस्पेक्ट 2 का एक बुक मिल चुका है। तो एक तरह से देखा जाए तो गाइस ग्रेवल के नीचे खो जाने के बावजूद ये चीज अपने लिए काफी सही हो गया। अभी यार यहाँ पे इधर उधर भटकने का कोई फायदा है नहीं, तो मैं यहाँ पे स्ट्रेट माइन करके बाहर जाऊंगा एंड फिर गाइस हम लोग वापस से अपने माइनशाफ्ट पे आएंगे एंड माइनशाफ्ट के चेस्ट के अंदर अपना जो भी सामान था उन सभी को कलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ देर स्ट्रेट माइनिंग करने के बाद अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं, यहाँ पे मैं फिलहाल एक रिवर्स से निकला हूँ। तो चलिए यार वापस से अपने माइनशाफ्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे अपने पास काफी सारी चीजें हैं, तो मैं बहुत ही ज्यादा संभाल के माइनशाफ्ट के अंदर जा ही रहा था, लेकिन अपने साथ यहाँ पे वापस एक प्रैंक हो गया। पता नहीं यार कहाँ से क्रीपर आके अपने पीछे फट गया एंड यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो मैं ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। तो भगवान के नाते हम लोग यहाँ से बच गए। अभी यार मैंने चेस्ट से सारी चीजों को कलेक्ट कर लिया है, तो चलिए गाइस फाइनली अपने घर पे चलते हैं। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग अपने घर पे आ चुके हैं एंड सभी चीजों को बिल्कुल सही सलामत लेके जिंदा घर में लौटने का अलग ही मजा है। तो आज के एपिसोड 5 के लिए बस इतना ही रखते हैं। पूरे एपिसोड में सिर्फ और सिर्फ भागा दौड़ी हुई। जो भी होगा गाइस आई होप कि आप लोगों को आज का एपिसोड पसंद आया होगा। कमेंट में बताना मत भूलना कि हम लोग अभी इन ग्लोबेरीज के साथ क्या करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल के ऊपर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दो इसी तरह के गेमिंग रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए। एंड यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर कर देना। मैं आप लोगों के साथ मिलूंगा कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए यार गुड बाय।